लाइफ। गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते भगवती हे शिथि कंठ कुटुपिनी भूरि कुटुपिनी भूरि कृते अयिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वृंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिथि कंठ कुटुबिनी भूरि कुटुबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख महर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्मिष मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दिति सुति रोषिणी दुर्मत शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते रम्य कपर्दिनी शैल सुते रम्य कपर्दिनी शैल सुते। थैंक यू। थैंक यू शांतना, फिनोमिनल, बहुत सुंदर, और इतना सुंदर गाई, पूरा वेरांडा को एनर्जाइज कर दिया शांतना आपने। एंड गुड इवनिंग, नवरात्रे का आज तृतीया पे आप सभी का स्वागत है, शुभकामनाएं आज सभी को। माना आज दुर्गा पूजा पंडाल में नहीं जा पा रहे और रामलीला के फन को भी नहीं इंजॉय कर पा रहे, पर म्यूजिक वेरांडा आपके पास फन लेकर आ रहा है, पूरा पंडाल तो नहीं, एक छोटी सी पेशकशी से ही। सो टुडे वी आर म्यूजिक वेरांडा इज अ हम्बल इनिशिएटिव टू टेक म्यूजिक एंड कनेक्शन टू मेनी। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम अनिला रामपुरिया फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम म्यूजिक वेरांडा। सो आज जैसे कि हम देखते हैं कि 90% ऑफ दी और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स हमारे होते रोमांटिक होते हैं, लेकिन आज एक्चुअल रोमांस हम देखेंगे म्यूजिक वेरांडा में विद अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल डुओ रोहित एंड आकांक्षा कटारिया विद अस। लाइक इतना अभी ये लोग साउंड टेस्ट कर रहे थे, उसी में मुझे लग रहा था क्यों रुक गए, इतना सुंदर दोनों जन गा रहे थे। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग। एंड नीना की क्या बात, नीना जो कि होस्ट है इस इवनिंग की। सो नीना अ वंडरफुल फ्रेंड, अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन, एंड नाउ वी गॉट रिकनेक्टेड एट म्यूजिक वेरांडा। Nina has connected a lot of people to this veranda. She is full of enthusiasm, energy, और इसकी एक खास बात यह है कि हर शो में ये कुछ इंस्पिरेशन लेके जाती है। Next day morning, like after every show, she will call me in the morning and she will ask me and she will tell me, Anila, कल का शो बहुत अच्छा था, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे, and then she will relate it to a song. So Nina, this is a surprise जो मैंने अभी सोचा है आपके लिए। So मैं आपको चार पांच शोज जो हमारे पीछे हुए थे वो मैं बताती हूँ, उनका इंस्पिरेशन बताती हूँ, और मैं देखती हूँ आप गाना उनका कौन सा गाते हो। So are you ready for this, Nina? Yeah, sure, I'm ready. Good evening. Okay. Okay. Thank you so much. So let us start. You know. So there was a show that we did 2 days back that was Creativity Unraveled by Jaya Mehta. So the takeaway of this show was that creativity is abundance. और दूसरा टेक अवे ये था कि क्रिएटिविटी या हॉबी को हमें प्रोफेशन एक लिमिट तक ही रखना चाहिए, उसको पूरा हमको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। सो व्हाट वाज योर सॉन्ग दैट यू कैन कनेक्ट? आई विल जस्ट सिंग दिस वन। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके से रिश्ते का इल्जाम, हमने देखी। I will connect this line, this song. Wow, this is so beautiful. So इसे बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा recap भी हो रहा है कि हम लोग ने पीछे shows में क्या सीखा, क्या समझा। ये inspiration हमको आगे ले जाना बहुत जरूरी है। Then we did a show
again 3 days back on parenting by Bimal Raji, and it was about parenting is easy, parenting is not so difficult, you know, or parenting means bahut sara unconditional love humko bachcho ko dena hai, which will make our parenting very easy. So what is like parents ki kya state of mind hoti hai? Any song that you can recollect? I personally love this one. This is my favorite. Wow, beautiful. So all parents should say तुझसे नाराज नहीं, हैरान भी नहीं, बस मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे. That is what all parents have to say. Now one session we did on Gandhi Jayanti. And Sudhindra Kulkarni ji was with us, and he said a very beautiful thing on education. और वो चीज इतनी सुंदर थी कि वो हमारे सबके मन में घर कर गई है. वो चीज उन्होंने बोली that education is first related to your heart. That is the first thing, and then it should be through your hands, and then intellect. तो गांधी जी उस पे कुछ आपको ध्यान आ रहा है मीना? I remember those beautiful evergreen lines sung by Gandhi ji. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम. These lines exactly come. Yeah, kya baat hai. So this is like your intellect, your musical skills, everything coming together, you know, as a host. So you're ready for the show. One last one. Okay. वो Air Force Day पे हमने जो किया था उसमें the message was teamwork. कि teamwork कितना important होता है Air Force में भी और हम सब even music veranda में भी teamwork कितना important है. तो क्या याद कुछ Air Force Day पे कुछ याद आ रहा है आपको? That's only देखो वही number याद आता है जो मैंने खुद से गाया तुम लोगों के लिए veranda के लिए. उड़ी आसमान ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल की जहां में ख्वाबों के परिंदे. This is a beautiful number. Wow, wonderful, wonderful, Meena. And you have already set the show on fire with your beautiful numbers. And I would now request you to take the show ahead. Meena Sharma from Jaipur, she will take us to Rohit and Akanksha Kataria from Jaipur, another wonderful musical duo. Thank you so much, Meena. Thank you, everyone. Thank you so much, Anila, for enlightening us, and a very good evening and a warm welcome to Music Veranda. Veranda of joy, happiness, healing, as well as learning. Today's evening, we have two beautiful soulful singers, Mr. Rohit Kataria and Dr. Akanksha Rohit Kataria, lovingly known as Arohit. Ascending in music, united to express and true essence of pure music. So, just a little bit about Rohit. Rohit is a qualified chartered accountant. Also, he qualified company secretary, but in destiny was something else. Music was his passion. And he's done MA Music Vocal from University of Rajasthan, Sangeet Nipun from Rajasthan, and Sangeet Visharad from Gandhar Mahavidyalaya, Sangeet Nipun from Bhatkhande Sangeet Vidyapeeth. Wow. So much of talent, I am to just lost. So Rohit is a winner of Radio City, Super Singer of Vocal Coach, Music Composer, and pursuing PhD in Music from University of Rajasthan, delivering lectures on YouTube and running Music Academy known as Rohit Kataria's Music Academy, which is doing wonders in Jaipur. And now about his beautiful, lovely wife, Dr. Akanksha has done her doctorate in music from Banasthali Vidyapeeth, which is a very renowned university you all might be knowing, and has performed in various stage shows and mentored many students in various institutions. She's being registered the examiner for Gandhar Mahavidyalaya, Mumbai. It's a privilege having you both in a Music Veranda. Thank you so much, Arohit, and gracing Music Veranda. And the show is all yours. So we welcome you with open heart. Over to Arohit.
First of all, I'm very thankful to all the team members of Music Veranda, an excellent concept in this time of pandemic. And we are really privileged to be here. And आज के परिवेश में आर्टिस्ट के लिए जो चीज रह गई है वो है वर्चुअल माध्यम, और उस वर्चुअल माध्यम से हम आप सभी से अपना टैलेंट शेयर कर पा रहे हैं. सो ऑल थैंक्स टू अनिला जी, नीना जी फॉर हैविंग अस हियर. सो आज के लिए कुछ अच्छे अच्छे ड्यूएट सॉन्ग्स, कुछ सोलो सॉन्ग्स, सेमी क्लासिकल, कुछ पैपी नंबर सॉन्ग, सब आपके साथ वेरियस कलर्स in this divine environment of Navratras will be trying our best to present for Music Veranda. So we are starting with one of the most beautiful songs. क्योंकि हम दोनों को आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा. कैसा लगा वो इस गीत के जरिए बयां कर रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत म्यूजिकल नाइट. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे के. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे के. मेरी जाने बाबा, come on sing with us. मेरी 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 तेरी जाने, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे ना होंगे जुदा. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के. For all the members of Music Veranda, I hope you have joined, and please let me know through your valuable comments and feedback this voice. Okay. मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अपना ये ये जिंदगी गुजरे की अब हम कम तुम्हारे ही साथ. अपना ये वादा रहा, तुमसे ना होंगे जुदा. तुमसे ऐसा लगा, अरमां हुए पूरे दिन के. मेरी 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 तेरा ही इंतजार, तेरे बिना आता नहीं.
गम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिल के अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिल के ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए तुम्हें देखके, ऐ मेरी जाने तेरी मेरी मेरी तेरी जाने, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुझे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे Thank you so much. Thank you. I thought this song should be sang to us because humko bahut acha laga. Aap sabhi ne thank you so much of positive vibes and so much of good artistic work we can see on the page of Music Veranda. So thank you so much. Aur agle paydan pe aapko leke chalte hain. बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो कि हमेशा आपने पसंद किया, सैंग बाय अरिजीत सिंह, जो कि फरमाइश थी अरिजीत सिंह साहब के सॉन्ग सुनने से, तो लीजिए साहब आपके लिए ये सॉन्ग सुनाता हूँ मैं। सुनो ना संगे परमल किए मिनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, सुनो ना संग किए मिनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, सुनो ना संग मरमर किए मिनारे, पिछल रही थी धड़कन रातों से, कहते हैं लोग हम तो सवेरे वो सच हो गए जो, सुनो आसमानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। Thank you so much. Please share this video if you are enjoying. You can also like our page Arohit. Thank you so much. Thank you so much. We are just loving it. Thank you. सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो, सुनो ना तो जानो ये सितारे,
कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, आज तुम्हारा सोना संग मरमर जिए बिना रे। Thank you so much. That's lovely. Phenomenal. Beautiful. Awesome, awesome. Thank you so much. और मैं अगले पायदान पे कुछ माहौल बदलूंगा। मैं चाहूंगा आकांक्षा जी एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, इस गाने की फरमाइश भी थी काफी लोगों से, जब भी हम अपने पेज पे लाइव आते हैं तो इस सॉन्ग की फरमाइश हमेशा आती है, पिया तो से नैना लागे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। एक मूवी आई थी दोस्तों गाइड, अगर आपको ध्यान हो 1965 में एस डी बर्मन साहब की रचना थी। तो आइए सुनते हैं खूबसूरत सॉन्ग बाय डॉक्टर आकांक्षा पटेल। beautiful composition. ऑर्केस्ट्रेशन देखिए आप। Awesome. Awesome. Thank you.
फेसबुक पे तो लोग मतलब लाइक पीपल आर जस्ट लविंग इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलिए अब आपको एक और ड्यूट सॉन्ग की तरफ लेके चलते हैं. एक खूबसूरत सॉन्ग जो कि पेइंग गेस्ट मूवी से वी आर प्रेजेंटिंग 1957 में ये मूवी आई थी और एस डी बर्मन साहब का ही म्यूजिक है. सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत मनी. Thank you so much.
ब्यूटीफुल लवली मजा आ गया और गाना भी इतना सुंदर एंड द वे दे आर सिंगिंग एकदम इट्स लाइक एकदम ओरिजिनल यू नो इट्स रियली ब्यूटीफुल या सो रोहित यार आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे हेलो रोहित अब सो मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने इतना कुछ पढ़ रखा है लाइक यू आर सी ए सी एस इतना कुछ कर रखा है जब भी आप पढ़ते थे तो संगीत लगा के सुनते हुए पढ़ते थे या कैसे पढ़ते थे देखिए म्यूजिक ने हमेशा एज अ मेरे को स्ट्रेस बूस्टर काम किया है क्योंकि मैं 16 से 17 घंटे ऑन स्ट्रेच ऐसे भी टाइम था कि लास्ट 6 मंथ्स में क्योंकि कोर्स इतना वास्ट होता है स्पेशली सीए फाइनल का तो बीच में जैसे कुछ भी मैंने गाने गुनगुना लिए कुछ रियाज कर लिया कोई राग सुन लिया तो संगीत का कीड़ा तो उस टाइम भी था लेकिन वो आप कह सकते हैं फलीभूत अभी हो रहा है तो ये वाली बात थी तो मतलब शुरू से ही संगीत का माहौल म्यूजिक का माहौल मेरे को फैमिली में मिला लेकिन शुरू से मैं स्टूडियस था इसलिए सीए भी हो गया सीएस भी हो गया सीडब्ल्यूए की ख्वाहिश थी वो मैंने इंटर भी छोड़ दिया और बाकी बीकॉम और एमए भी हो गई तो बस यही है बाकी लेकिन आप कह सकते हो दिमाग अगर सीए में लेकिन दिल तो पूरा संगीत में था ओके ऑन दिस नोट वन मोर क्वेश्चन कि आप सिंगिंग कनेक्टेड यू टू योर सोलमेट इजंट इट एंड वी सी दैट ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन यू टू तो आपने आकांक्षा के लिए सबसे पहला गाना कौन सा गाया वो मैं आपको गाके ही बता देता हूँ सीधा अगर आप इजाजत हो तो बिल्कुल गाके बताइए और आकांक्षा सेम क्वेश्चन आपके लिए कि आपने रोहित के लिए कौन सा गाना गाया था बिल्कुल मैं आपको ना पूरा वो माहौल भी अभी डिस्क्राइब करके बताऊंगा गाना गाने के बाद ये हुआ क्या था और कैसे आकांक्षा जी हमारी म्यूजिक एकेडमी में आई थी और फिर ये वाला गाना सुनाया था पहले मैं गाना सुनाता हूँ ये भी कोइंसिडेंटली अनिला जी की जो फरमाइश थी कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग होने चाहिए उन्हीं का ही सॉन्ग है कहते हैं अरिजीत सिंह का सबसे टफेस्ट सॉन्ग ये माना जाता है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ देखिए टफेस्ट सॉन्ग मैंने रियाज किया तब जाके आकांक्षा जी हमारे साथ सोचो बिल्कुल बिना तपस्या के कुछ भी हासिल नहीं होता रोहित बिल्कुल तो आप ये सुनिए गाना आयत फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी ठीक गीत मैंने सुनाया था ये ट्रैक में आलाप है लेकिन मैंने लिया था बैठने के लिए आलाप लेके बताऊंगा तुझे याद करना है तुझे याद करना है आयत की तरह कहीं है Thank you.
आकांक्षा के लिए भी आपने क्या गाया उनके लिए वापस एक्चुअली मैंने सबसे पहले जब रोहित जी मुझे मिले थे मैंने कान्हा जी का भजन सुनाया था उनके सामने और कान्हा जी मेरे इष्ट रहे हैं तो एक कहते हैं कि छवि हमें नजर आती है जो हमारी सोच बनी होती है हमारे हस्बैंड के रूप में फादर को हम एक आइडियल मानते हैं अपना और उन्हीं की तरह हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड हो तो वो सारी चीजें मिक्स करके सब मुझे ऐसी फीलिंग आई तो वो फीलिंग शायद वर्ड्स में बयां करना बहुत मुश्किल है बट हमें काम मतलब तो मुझे अपने कान्हा जी मिले ना आशीर्वाद है कान्हा जी का आपके ऊपर कि आपको देखिए कान्हा जी के रूप में रोहित मिले थैंक यू सो मच एंड वी रियली फील लकी फॉर ईच अदर बस ये स्पेशल चीज है व्हिच पीपल लाइक अबाउट अस लोग कहते हैं बहुत अच्छी केमिस्ट्री है तो वो उसका कारण यही है बहुत अच्छी बात है वेरी नाइस And together you both rock. आप दोनों इतना अच्छा गाते हैं. God's blessings are there. So चलिए कारवा को आगे बताते हैं. जी बिल्कुल. अब मैं चाहूंगा आकांक्षा जी को जो ऐसा गीत है ये जब Voice of Rajasthan चल रहा था तो आकांक्षा जी ने गीत हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं साजिद रजन साहब आपके रविंद्र जैन साहब ये सब जजमेंट रहते हैं उनके आगे ये गीत गाया था तो मैं चाहूंगा एक बार जादू है नशा जो कि आप बहुत दिल से गाते हैं और मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है जो कि आप बहुत अच्छा गाते हैं आइए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग जादू है नशा
Such melodious,
She has such beautiful melodious voice. Thank you. Lovely life. Very nice. Loved it. चलिए आपको कुछ एक प्रेपी नंबर भी हम सुनाते हैं, माहौल को थोड़ा फास्ट करते हैं, और किशोरदा का बहुत ही खूबसूरत गीत आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें यूटलिंग का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, क्योंकि किशोरदा साहब मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर, चाहे कोई भी गीत आप ले लीजिए, सैड ले लीजिए, रोमांटिक ले लीजिए, और प्रेपी नंबर स्पेशली, आइए सुनते हैं इस गीत को। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने की। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने की। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने दिए। वो आलम भी कज़ब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी भैया छुड़ाएगी, कभी हंसके गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं, तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं कहता कहता रे, मेरे जीवन में ये शमा ही है मोहब्बत पाने समझ लिए। ओ चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन है, पूरा सुन रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत सुर में गा रहे हैं, बहुत अच्छे गा रहे हैं। ये गाना बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाया आपने, वाह बहुत सुंदर गाना। होल्डिंग किया, सुर में लिया आपने, वाह कमाल, बेहतरीन, आशीर्वाद आशीर्वाद है आपको, दिल से आशीर्वाद। एवरीवन इज एंजॉयिंग, बोथ ऑफ यू ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। आइए आपको सुनाते हैं एक और बहुत खूबसूरत ड्यूएट सॉन्ग। ये बात ना
क्या कोऑर्डिनेशन है, कितना सुंदर, ब्यूटीफुल, वी आर लविंग इट, थैंक यू सो मच। मैं छोड़ के, आप सोच सकते हैं मैं छोड़ के कितनी मजबूरी थी, मैं छोड़ के गई। मतलब गुरु जी आपके लिए मैं समर्पित करता हूं। एक मैं चीज बताना चाहूंगी आपको, आपको सुनाता हूं मैं रोहित, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, और इसमें तिलक कामत पे बेस्ड एक सॉन्ग भी है, दोनों को मैंने यूज किया।
सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबरा है, मन मोरा घबरा है, ऐसो गए परदेश पिया तुम, ऐसो गए परदेश पिया तुम, चैन हमें नहीं लाए, चैन हमें अच्छा नहीं तेरे है
सांसों की लहर मतन चले दो से कहे से गाता बल से गाता जो We are speechless. That was just mind blowing. Yes. I second Nina. Superb. Behtareen, behtareen. Bahut jo. Bahut. नहीं बहुत अच्छा दोनों गाना आपने बहुत बेहतरीन गाया और काफी जगह है इसमें काम करने के लिए इतनी जगह है काम करने के लिए कमाल के बहुत वेरिएशन से इसमें काम रोहित एक नीना मैं कुछ बोलना चाहूंगी रोहित हाँ एक तो वरांडा की कितनी खुशकिस्मती के दो गुरु एक साथ एक स्क्रीन में so, या रोहित रोहित गुरु है थोड़ा बहुत जो सीखा है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ बट सिखाना क्या अच्छा गाने हमें बहुत और एक और कोइंसिडेंस बताती हूँ जैसे कि आपको सोलमेट गाने से मिला गुरुजी को भी अपना सोलमेट गाने के थ्रू ही मिला था सेम पिंच वर्चुअल पिंच ले लीजिए सर वर्चुअल लेट मी टेल यू कि आई एम आई रोहित इज माय गुरु एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम Nina, you should tell the story. How did you meet Rohit ji? Yeah, that was very interesting. बहुत मजेदार था बस एक दिन जच गई कि अब वापस से संगीत वापस से रिवाइज करना है सब बिकॉज सब भूल गई थी इतने साल में तो उठाई गाड़ी और एक अपनी फ्रेंड को लिया और पूरा लाइक वी लिव इन जवाहर नगर हम पूरे जवाहर नगर में चक्कर आगे तक गए कोई हमको अच्छा म्यूजिक स्कूल चला ये नहीं पता कि चार कदम पे ही हमारे घर के पास रोहित कटारिया म्यूजिक अकेडमी है फिर घूम के वापस हम उधर ही आए तो हमने कहा अरे यार अंदर चलते हैं लेट्स गो एंड ट्राई लेट्स सी फिर हमने बेल बजाई तो रोहित वाज देयर हमने कहा भाई हम सब भूल गए हमको रिवाइज कर रहे हैं अपने लेसंस एंड वी वांट टू लर्न सो ही सेड यस आई एम द वन हु टीचर एंड देन आफ्टर दैट द हिस्ट्री एंड आई गॉट धीरे धीरे आई स्टार्टेड ऑल माई लेसंस सो एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड थैंक यू सो मच रोहित एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ऑल Great gurus in my life, my teacher who was an MA like Dr. Ashmi Tiwari, Dr. Alka Singh, then Dr. Amita Tripathi from Agra. मैं जितना उनको याद करूँ वो कम है and after that Rohit यहाँ पे जयपुर में मैं Rohit से और after some time again I'm going to join. नहीं आपका ही बड़प्पन है बस थोड़ा बहुत जितना आता है बस मैं कोशिश कर लेता हूँ मैं बाकी मेरे गुरुजी गिरेंद्र सर भी काम करते हैं मेरे गुरु माने थोड़ा बहुत जितना भी गाता हूँ ग्वालियर घराने का क्लासिकल भी आपको मैं सुनाऊंगा जितना भी थोड़ा बहुत सीखा मैंने अभी तो थोड़ा आगे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी रोहित वन स्मॉल आप यंग मंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट दोज हु वांट टू make the future in music. आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो बेस है, जो हमारा रूट है हमारा संगीत का, शास्त्रीय संगीत, उसको जरूर पकड़ के रखें। उसके बाद आप कोई भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक चुने, वेदर इट बी अ गजल, बॉलीवुड, सूफी, फोक, बहुत सारी फील्ड्स हैं, क्योंकि हमारा म्यूजिक ही ऐसा है जो कि प्राचीनतम होते हुए भी आज भी उस पर आधारित, आप कोई भी गीत लीजिए या कोई भी ठुमरी लीजिए, वो आज भी जिंदा है। ये हमारे संगीत की एक शक्ति है। आपको एक मिसाल के तौर पे आप कोई भी पुराना गाना उठाएं, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, ये राग दरबारी है। अभी मैंने जो आपको गीत सुनाया, बने सारे पामागर, ये आप कभी भी सुने आपको खुशबू आएगी बहुत अच्छी। ये शास्त्रीय संगीत की पावर है, जैसे राग तिलक कामोथी है ना। अभी आकांक्षा जी को मैं कहूंगा कि वो ओ सजना गीत है, वो आप सुनाए, वो राग खमाज पे आधारित है। तो ये शास्त्रीय संगीत ऐसी चीज है, ये बेस है, इससे बाकी सारी शाखाएं निकलती। अगर हम सीधा लाइट सिंगिंग पे जाएंगे तो एबीसीडी नहीं आती, तो फिर ग्रामर और लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। हमें पता होना चाहिए म्यूजिक में हम कर क्या रहे हैं, फॉर दैट शास्त्र पता होना चाहिए उसका, तो वाली बात। इसलिए मैं समझता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक सीखे और एक गुरु को ढूंढे, एक मार्गदर्शन ले, और जैसे गुरु जी भी हमारे साथ मौजूद है, छोटी मो बड़ी बात है उनके आगे, तो मैं आप क्या बोलूं। बस No, he is a guiding light for music veranda. Guruji, काफी बच्चों को और इवन बड़े लोग भी गुरुजी से काफी सीख रहे हैं म्यूजिक वरांडा के। अपार्ट ऑफ दैट बहुत अलग अलग जगहों से, लाइक ऑल ओवर इंडिया से गुरुजी बच्चों को छाट छाट के ला रहे हैं। गुरुजी का एक स्टूडेंट रोहित, आई वुड लाइक टू टेल यू, उसमें इंडियन आइडल में गया था। सो आज वो है नहीं यहाँ पर, अदरवाइज ही इज, उनके बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं। और म्यूजिक वरांडा में भी आए, ओवर टू यू रोहित जी। अब नाउ ओवर टू आकांक्षा। एक मैं चाहूंगा, एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है दोस्तों, वो भी आई थी परख 1960 में, जिसमें सलील चौधरी साहब का म्यूजिक था। मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है और मैं बहुत उनको एज अ इंस्पिरेशन मानता हूँ। मैं एक, हमने सलील चौधरी साहब की नाइट भी रखी थी, एक जिसमें सिर्फ सलील चौधरी साहब के ही सॉन्ग हमने गाए थे। आप देखिए, गुजर जाए दिन दिन दिन, कहाँ पे ये सॉन्ग है और कहाँ पे अब ये गीत जो आकांक्षा जी आपको सुनाने वाली, ओ सजना बरखा बहार। देखिए, तीन साल से कैरवा पे आ जाएंगे। पंखियों में प्यार हमारी Thank you.
कुछ हैप्पी सॉन्ग्स भी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कुछ ओल्ड सॉन्ग्स की जब भी बात करते हैं तो रफी साहब और किशोर दा के गीत सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं, तो वो कुछ गानों का मैं मेडले लेके आया हूं आप सभी। इसी के साथ हम समापन करेंगे, नॉन स्टॉप मेडले आप एंजॉय करेंगे। आई एम वेरी श्योर। जी बताइए गाना कौन सा। जितने भी लोग फेसबुक में हैं आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल पे लगा दूंगा वो में पिघल जाओगे। मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल पे लगा दूंगा वो जल जाओगे। एक दिन ना आएगा क्या हो जाएगा, हे दिल आपके दिल में लगा तो सब कि पल पल बिछड़ जाओगे। फ्रॉम द मूवी सत्य पे सत्ता आरडी बर्मन साहब, सैंग बाय द लेजेंड किशोर कुमार साहब। 13 अक्टूबर को हमने उनकी स्मरण दिवस के रूप में याद किया था, उनकी पुण्यतिथि। जरूर देखिएगा आरोहित के पेज पे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, ये दिल चल जाएगा प्यार हो जाएगा, हम तक मुझे ऐसे तड़पाओगे नहीं, मैं आग दिल में लगा दूं कब मैं पिघल जाओगे। ओके नेक्स्ट एस डी बर्मन साहब, आप सुनने के लिए खेलते हैं बोलिया।
गिरते है कोयला दिल के भीतर को गिरते है दरिया दिल के भीतर को गिरते है दरिया दिल के भीतर को गिरते है दरिया देखते
नहीं तो मुझे चल में है बचते हुए मिटने वाला तो आशित तो है मन भरा विस्तार दफ़े हो वो जाने तमन्ना कितनी जा रही हो जरा पास आओ Okay, so now we are celebrating and evening in India. Jaipur mein bhi hum, Delhi mein bhi hai, sab alag alag jagah se. Isliye aisa mauka kahan milega? Isliye aap sabhi ke liye. Ji aisa mauka main kahan milega? Hamare jaisa dil kahan milega? Aao tumko dikhlata ho Jaipur mein. हमारे जैसा दिल कहाँ देना मुझे बड़ा को आओ तुम को दिखलाता हूँ जयपुर की सुनिएगा मोदी खूबसूरत आज सभी के लिए देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी इनके बोली क्या क्या दिल पर रंग जमाए चल पोगी ये आँख में चोली देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी इनके बोली क्या क्या दिल पर रंग जमाए चल पोगी ये आँख में चोली अभी तो रोहित शुरू किया था इतनी जल्दी खत्म भी हो गया ये तो बहुत ज्यादती है हम जब डांस करने लगे तब आपने रोक दिया फिर बात के लिए भी तो बचा के रखना है एनीवे For Rohit and Akanksha, I want to sing two lines, please, if you allow me, Anila. You to humne lakh hansi dekhe the, tum sa nahi dekha, oh tum sa nahi dekha. That's all. That was so you sweet of you. आज हम अगर live हैं तो उसका reason Neena ji है. Thank you so much, Neena ji. You are so sweet and Besides being a beautiful singer और आप बहुत अच्छी acting भी करते हैं, you are a great human being as well. लेकिन अच्छा artist होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ऊपर वाले की देन है. उसके बाद आप सृष्टि पर आकर खुद अपने आप को आप क्या कर्म कर रहे हैं आप खुद कैसे इंसान हैं वो मायने रखता है बहुत. रफी साहब को क्यों रफी साहब की ज्यादा फैन फॉलोइंग किया क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी. किशोरदा जब दिक्कत में आ गए थे तो रफी साहब ने जाके उनकी मदद की थी. सोचो आप आजकल के परिवेश में क्या हो गया, हम पेशा दुश्मन हमेशा, लेकिन रफी साहब इसका जीता जाता एग्जांपल थे कि कैसे मदद करी जाती है हम पेशा होकर भी. तो बस अच्छा इंसान बन जाए, बस जीवन हमारा सफल हो जाए, गाना बजाना तो चलता रहता है. Thank you, Rohit ji and Akanksha. Beautiful evening. You have given us such a wonderful evening in this quarantine times.
एंड वी आर सो थैंकफुल टू ऑल द परफॉर्मर्स हु आर डूइंग देयर बिट टू टेक म्यूजिक टू मेनी, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है जो हील करता है, कनेक्ट करता है, और म्यूजिक ही बहुत लोगों को इस टाइम बहुत अच्छा फील करा रहा है, और जितना लोगों में स्ट्रेस है म्यूजिक के द्वारा वो कम हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग. थैंक यू नीना, एंड गॉड ब्लेस यू. और मैं गुरुजी को चाहूंगी गुरुजी भी आशीर्वाद दे. गुरुजी आप गुरुजी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम आपने इतना पेशेंटली सुना आज के, मतलब आपने टाइम निकाल के डेढ़ घंटा सुना सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. सबसे पहले मैं कुछ बोलूंगा आप दोनों के लिए. पहले तो आप दोनों को मेरे दिल से, आत्मा से दोनों को मैं पहले से आशीर्वाद देता हूं, आपको दूरी बनाए रखें और हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ संगीत के सफर में, क्योंकि मैं इंजीनियर था पहले, बहुत बाद में मैंने अपना लाइन चेंज किया. मैं म्यूजिक और मेरा गांधर महाविद्यालय से ही हुआ सारा शुरू, अनिला जी को सारा पढ़ाता है. बहुत मैंने बहुत भी बहुत रियाज किया, मैंने बहुत जगह पर आज आपके सामने बैठा हूँ मैं. और मैं आपसे सुनना चाहूंगा एक्चुअल में मैं किस सफर कर रहा हूँ, तो मैं तो थोड़ा सा अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत ज्यादा, और मैं सुनना बड़ा आनंद लिया मैंने बहुत, मतलब कि आपने खींच के रखा मुझे. और मैं कहता हूँ क्वारंटाइन में इस टाइम इससे बढ़िया म्यूजिक ब्रांड प्लेटफॉर्म क्वारंटाइन के टाइम में जो चला है ना, समझिए हम कितने को आनंदित कर रहे हैं. सारे बीमारियां दूर है यहाँ से, जो भी टेंशन में है, जिसको तकलीफ है, जिसको कष्ट है, परेशानियां है, सब यहाँ आ जाए, सब मुक्त है, दुख मुक्त है. मैं इतनी तकलीफ में हूँ लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कितना दर्द होता है लेकिन मैं यहाँ बैठा रहता हूँ. अब बेहतरीन आपको बहुत बड़ा पैसेंस नहीं मिलेगा आपका गाना सुना, लाइन बाय लाइन सुना, एक चीज पे मैंने वर्कआउट कर रहा था, सुन रहा था मैं ध्यान से, और आपकी आवाज इतनी मधुर, इतनी सुरीले है आप. और ये आपने जो मैसेज दिया है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, शास्त्रीय संगीत यही आपको मैसेज दिया है, आपने बहुत बेहतरीन दिया है. लोगों के आज बच्चे लोग डाइवर्ट है कि बस लाइट म्यूजिक दो चार गाना गाया सोचते कि हम सीधा इंडस्ट्री पहुंच जाते हैं, और शायद संगीत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्रिएटिविटी, फ्यूजन, सारा म्यूजिक कंपोजर कंपोजर बनना है तो क्लासिकल म्यूजिक से ही आएगा. तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत ही मैसेज है. आप दो गाने आपने बहुत बेहतरीन गए, और जो आओगे जब तुम वो साधना, इसमें कितने आओगे जब तुम वो साधना है ना, कई सारी चीजें हैं जो तो इसमें है, तो इसे पूरा तिलक कामत का वो है जो सरो पूरा राग दिखता है इसके अंदर. तो कई सारी चीजें हैं, आपने अभी आपने ठुमरी भी गाया, आपने बहुत बेहतरीन गायकी थी आपकी, और मुझे लग रहा कि अभी तक का टॉक सेशन में लग रहा कि सिंगिंग में था बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका हुआ. मैं तो कहूंगा दोबारा आप आइए, मैं तो आनंदित होकर मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है. और धन्य हो गए हमारे बीच बेंडा में अनिला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नीना जी जो आप इनको लेके आए हैं, और मैं आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ. अब बेहतरीन खूब मेहनत करो और सीख और खूब रियाज कीजिए आप सार संगीत में. आप जितना रियाज करेंगे, रियाज 80 साल 90 साल तक जब तक आप गाते रहे तब तक रियाज कीजिए. सुबह रियाज कीजिए एक घंटे, जितने बड़े बड़े उस्ताद है सब रियाज करके आते हैं, सब रियाज करते हैं. तो गाते रहिए, नया नया सोच, नई गाना जो है पूरा फ्यूजन का चीज है, नई नई सोच के साथ, ख्याल का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना. तो नई नई कल्पनाओं के साथ संगीत को बेहतरीन तरीके से नया रूप दे करके इसको गायकी को पसु शास्त्र संगीत का मतलब होता है कि शास्त्र के नियमों के अनुसार जो गाए बजाए जाते हैं अपने माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना. तो वो जो आपकी रही है आज, देखा कहीं जगह आपने काम किया है गायकी में, तो वो गायकी नजर आनी चाहिए. तो वही मैसेज सब बच्चों को यहाँ देना है कि क्या होता है गायकी. तो ये बच्चे आज बहुत भटके हुए हैं, तो म्यूजिक बेंडा प्लेटफॉर्म पे देखिए कई चीजें की नॉलेज हम लोग यहाँ से बच्चों को दे रहे हैं, और कई चीजें जा रही है यहाँ से. और ये क्वारंटाइन टाइम में सबसे ऊपर अभी संगीत चल रहा है, खास कर गायकी. तो देखिए चला हमारा म्यूजिक बेंडा टॉप पे चल रहा है इस टाइम. और स्पेशल थैंक्स गोज टू ये अनिला मैम है ना, सुबह 5 बजे लग जाते हैं ये हमारे मोबाइल पे, लगातार बिजी रहती है एकदम सुबह से. मेरी आंख खुलती है तो अनिला मैडम मोबाइल पे होते हैं. तो इतनी मेहनत, इतनी हार्डवर्किंग हमारे जैन साहब, हमारे मीना मैम, नीना मैम को जब भी बोलिए हाजिर काम करने के लिए, तो बेहतरीन है. इनू मैडम है, ये सब जो हमारे मेंबर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया ये सब कुछ. और आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिए, अब आप लोग जुड़े रहिए यहाँ से म्यूजिक ब्रांड में और आते रहिए. गुरुजी जय सर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव आरोहित बोथ एंड होप सो दैट यू
उनको हमारा बरांडा पसंद आया हो। आई होप सो रोहित आपको पसंद आया होगा और आप आते रहेंगे। जी जरूर। थैंक यू सो मच। ओवर टू जीजे। जीजे वन मिनट। ओवर टू जीजे। Jijay, are you there? Yeah. Thank you so much. And what a fantastic evening by Rohit ji. Zordar taliyan Akansha ji aur Rohit ji ke liye. Bahut khoobsurat. And it's such a, you know, कितना आपने हम लोग खो गए थे और बहुत सारा प्यार बरस रहा है फेसबुक में। आप कमेंट्स में देखिए, एवरीबॉडी इज लविंग इट लाइक एनीथिंग। एंड दिल मांगे मोर, हम गुजारिश करेंगे आपसे कि आप बहुत जल्दी दोबारा आए। सो दैट काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये वाला गाना गाना है। सो नेक्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी, वी विल मेक इट इंटरेक्टिव एज वेल। सो थैंक यू सो मच पूरी म्यूजिक बरांडा की टीम से, रोहित जी को और आकांक्षा जी को। एंड जयपुर का पूरा जो आपने माहौल है वो पूरा दिल्ली में, आगरा में और पता नहीं कहाँ कहाँ, हमारे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर, बल्कि बाहर इंटरनेशनल, जर्मनी से, दुबई से भी लोग देख रहे हैं। वी आर गेटिंग लव फ्रॉम सो मेनी वेरियस प्लेसेस। सो थैंक यू सो मच एवरी वन। दिस इज अ होस्ट एंड होस्ट जीजे। एंड नीना जी, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर वंडरफुल होस्ट। Very, very nice. Thank you so much. So much, Gaurav ji. Thank you so much. Thank you so much for having us here. Most welcome. Most welcome. Thank you, Anil ji. Thank you, Anil ji. Great coordination. Thank you so much. Bye-bye. Take care, everyone.